नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टीवी और अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि लंदन विजिट के दौरान कई MOU साइन किए गए हैं, जिससे हरियाणा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लंदन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि लंदन विजिट के दौरान कई MOU साइन किए हैं, जिससे हरियाणा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लंदन के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। उनके नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधि मंडल ने 5 कार्य दिवसों में लंदन के कई विश्वविद्यालयों से 20 बैठकें की। उन्होंने बताया कि लंदन के किंग्स कॉलेज के साथ हरियाणा के सिविल कर्मचारियों व तकनीकी क्षेत्र के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर सहमति बनी है। आप सबको प्रणाम है। पीछे 30 तारीख को मैं अपने 4 वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन के साथ हम इंग्लैंड गए थे और वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में हमारा जाना हुआ। भारत मूल के लोगों ने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हमारे डेलीगेशन का स्वागत सम्मान किया। भारत का तिरंगा फहराया और पीछे 14 नवंबर 2016 को मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल के आया था और उसमें मैंने जलियांवाले बाग का जिक्र किया था और उसके बाद 49 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दे पास्ड ए रिजोल्यूशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन सभी मेंबर्स को हमने वहां धन्यवाद कहा और इस तरह के कई कार्यक्रम हुए। हमारे डेलीगेशन की वहां जो मीटिंग्स हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा डेलीगेशन, बर्मिंघम के चांसलर जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर भी हैं बिल मोरे, और वो चांसलर हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज में, लंदन यूनिवर्सिटी, इन सब में हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है उनके आचार विचार हुए और उन सब ने एक इच्छा प्रकट की। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के चांसलर बिल मोरे ने मुझे पर्सनली भी कहा कि वी वांट टू सेट अप ए ब्रांच इन योर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और इन हिसार। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। और इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।